क्वेश्चन नंबर 27। देखो हर क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही कराया जा रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़बरदस्त मानिए और इसी से आपका पूरा मैथ बिल्कुल आसान होगा। और ये क्वेश्चन भी और इससे पहले क्वेश्चन भी सभी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होगा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वाला होगा। अब देखो ये भी सब क्वेश्चन ऐसे ही है, इक्वल टू इक्वल। कुछ बड़े ही किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। देखें 9 दिनों में कुछ बड़े ही किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए उसी काम के बारे में बात की जा रही है, इधर भी वही काम है, इधर भी वही काम है, तो आइए देखते हैं। लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं। अब देखिए बड़े ही कुछ बड़े ही उनमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए काम को वे 12 दिनों में कर लेते हैं। तो बढ़ईयों की मूल संख्या क्या है बताओ। बस हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल, दोनों कंडीशन बराबर हो गई। तो अब हम कर सकते हैं बिल्कुल आसान, 9b हो जाएगा इधर, 12 की गुणा बी में करेंगे, 12b में से 9b इधर घटेगा, 3b रह जाएगा, 3b 12 बंजे 60 इधर आकर प्लस हो जाएगा 60, 3 से काटूंगा 60 को 20 बार, तो मूल बढ़ई जो मूल संख्या थी बढ़ईयों की वो 20 थी, 20। चलिए देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर 20। फिनिश हो गया, बिल्कुल आसान ये रहा। देखिए इक्वल टू इक्वल आते ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, इक्वल टू इक्वल में फिनिश हो जाता है क्वेश्चन। ये देखिए कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में, कोई काम एक है और दुगने व्यक्ति, अब व्यक्ति दुगने कर दिए मैंने, एम थे 2m कर दिए, आधा काम हो गया। देख काम एक था अब आधा काम हो गया, कितने दिनों में किया जाएगा ये पूछा है। देखो M से मैंने M काटा और मैंने क्या किया, ये 2 ऊपर पहुंचा दिया इसको, ऐसे ये हो गया 12, ऐसे लिख दीजिए 12 बराबर 2 × 4 गुणा डेज। देखिए स्पष्ट हो गए 4 × 3 = 12, 3 दिनों में करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 दिन, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए ये रहा 3 दिन, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होता है, आप सीख लीजिए इसको। किसी कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करते हैं, ए जमा बी यानी दोनों ए और बी कार्य का 60% भाग करते हैं। देखो जब कार्य परसेंट में आ जाता है तो पूरा कार्य 100% होता है, तो इसका मतलब ए बी सी किसी कार्य को करते हैं, इसका मतलब ये हुआ ए बी सी तीनों मिलकर 100% काम करते हैं। तो लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों 100% काम करते हैं। फिर बोला ए प्लस बी उस कार्य का 60% करते हैं दोनों, बी प्लस सी 70% करते हैं, तो तीनों में सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है ये बताना। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से, देखिए बी दोनों के साथ है, ए के साथ भी सी के साथ भी, तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को जोड़े तो इसमें बी 2 बार आता है। तो देखिए ए प्लस 2b प्लस सी बराबर इनको जोड़ेंगे कितना होता है, 7 × 6 = 13, 130% होता है। अब 130% होता है, देखो यहां पर ए बी सी तीनों का 100% है इसमें, अगर मैं इसमें से 100 घटा दूं तो ये जो बी एक्स्ट्रा आया है, बी अकेले का पता लग जाएगा इसमें से, इन तीनों का ए बी सी तो एक बी रह गया, मतलब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ऐसे, क्योंकि बी 2 बार है ना। अब इन तीनों का 100 है, यहाँ पर 100 ले जा अगर इसमें से घटा देंगे तो बी अकेले का आ जाएगा इसका, ये 100 बनता है, यहाँ से ले लेंगे हम 100 इसमें से घटाएंगे 130 में से 100, तो 30% बी अकेला करता है, यानी कि इतना काम, जो ज़्यादा काम करेगा वही कुशल होगा। तो अभी मैंने B का निकाला, अब देखो A का भी निकल जाएगा, जब B का 30 है यहाँ पर
और दोनों का 60 है तो एक का भी 30 होगा। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी का कितना है 30 और दोनों का 70 है तो सी का 40 होगा। बस फिनिश हो गया। अब आप आराम से बता सकते हैं कि ए का 30%, बी का 30%, सी का 40%। तो सी ने ज़्यादा किया तो सी सबसे अधिक कार्य कुशल होगा। सी सबसे अधिक कार्य कुशल होगा, सबसे अधिक। सी का 40%, ए और बी का 30% और 30%, तो साफ दिखाई दे रहा है सी सबसे अधिक कार्य कुशल होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी इज राइट। देखो बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब ये भी देखते हैं किस तरीके से होता है। 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखिए 10 महिलाएं यानी कि वोमेन 6 दिनों में कर सकती है। ये वोमेन आ गया। 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में, उसी काम इक्वल टू इक्वल लगाएंगे। 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में और 8 बच्चे 10 दिनों में करते हैं, तो एक महिला एक पुरुष एक बच्चा उस काम करने की अक्षमता का अनुपात बताना। तो एक महिला एक पुरुष और एक बच्चे के काम करने की अक्षमता का अनुपात बताना। तो यहाँ पर इनका रेशो छोटा करेंगे, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ये 6 पुरुष 5 दिनों में। तो देखो इसको हम आसान करेंगे, 10 छंग 60 और 6 पंजे 30, 10 88। तो यहाँ पर हमारा 10 कॉमन आता है, 10 छंग 60, 6 पंजे 30 हो गया, ये 10 तीय 30 और 10 अटे 80, ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आता है, 6 3 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। अब 24 को बारी बारी भाग देंगे, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24 और 8 तीय 24। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 483। 483 उनके काम करने की अक्षमता का अनुपात 483 है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन चल रहे हैं अंकित बाड़ी सर की बुक के, और इसमें हमारे जितनी भी वीडियो बन रही है हमने वे सभी प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेंगे आपको हर वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 31 से, ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप तुरंत कर दोगे सेकंडों में। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक जैसे ही कैटेगरी के हैं, सेम टू सेम तरीका दोनों में यूज होगा। तो देखो ए प्लस बी मिलकर टी दिनों में एक काम करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ने टी दिनों में कोई काम किया। ए अकेले ने टी से कितना समय ज़्यादा लिया, 3 दिन ज़्यादा लिया, और बी अकेले ने टी से 12 दिन ज़्यादा लिया। तो देखिए जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान दीजिए, जब दोनों आपस में दोनों के काम से कंपेयर करते हैं कि मैंने ए ने दोनों द्वारा किए गए समय से इतना ज़्यादा समय, बी भी कह रहा दोनों द्वारा किए गए समय से इतना ज़्यादा समय में काम किया, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त ट्रिक होगी, बहुत ही प्यारी और आसान। इससे आप दुनिया भर के कितने भी क्वेश्चन जो इस कैटेगरी के हो गए सभी को सेकेंडों में धूल चटाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो टी का मान बताना है, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करते हैं ये पूछा है। ए प्लस बी यानी कि टी, टी का समय बताना। तो जब भी ये चीज़ आती है, इस टाइप की कैटेगरी आती है, तो दिए गए दोनों के जो अधिक अधिक दिन है, यहाँ पर 3 अधिक दिन इनके समय से 3 अधिक दिन में कर रहा,
या 12 अधिक दिन है, जो ये अधिक दिन है इनके गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इनके 3 और 12 के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, 12 तेज 36 का वर्गमूल होगा 6, तो 6 दिनों में करते हैं, तो टी का मान आ गया 6 दिन, ऑप्शन डी इज राइट। तो सेम तरीका यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब देखिए इसको भी आप ऐसे कीजिए, रेनू और अर्षी किसी काम को टी समय में करते हैं। देखो दो महिलाएं रेनू और अर्षी कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही है, अगर अर्षी अकेले, मतलब ये दोनों किसी काम को करती है टी दिनों में, अगर अर्षी, ये वाली अर्षी अकेले कार्य करती है तो उसे डिजाइन पूरा करने में दोनों द्वारा मिलकर काम करने में लगे समय से 8 घंटे अधिक लगते हैं। देखो इससे 8 घंटे अधिक लगते हैं, सेम टाइप आ गई, यही देखने में बड़ा है बट कुछ नहीं है, सेकंडों में हो जाएगा। अगर रेनू देख लीजिए, रेनू भी अकेले काम करेगी तो दोनों के काम से 4.5 घंटे अधिक लगते हैं इससे। तो डिजाइन पूरा करने पर रेनू को अकेले कितना समय लगेगा, रेनू को सबसे पहले हम टी का मान निकालेंगे। तो देखिए टी का मान निकालते हैं, ऐसे ही दोनों के जो अधिक समय है इनके गुणनफल का वर्गमूल निकाल लीजिए, 8 × 4.5, या 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, 2 × 8 = 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, ये आ गया टी का मान 6। अब पूछा है डिजाइन पूरा करने पर रेनू को अकेले कितना समय, रेनू ये रही, तो टी का मान यहाँ से भरेंगे हम 6 + 4.5, तो बराबर होगा 6×4 = 10, 4.5 ऐसे लिखेंगे, 8×32 बिल्कुल सही है बिल्कुल, यहाँ पर 4.5 लिखेंगे, मैं सोच रहा हूँ शायद मिस्टेक हो गई थी, तो 6×4 = 10, 10.5, 10.5 घंटे, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने है।